हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो यह हमारा 20वां टॉपिक है। इससे पहले मेरा 20 टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है एसक्यूएल के रिगार्डिंग। अगर आपने मेरा सारा वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लीज जाकर वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, क्योंकि अभी फ्रेंड्स मेरा जो है व्यू और वॉच टाइम ज़्यादा उतना खास आ नहीं रहा है, तो इसी कारण से मुझे वीडियो बनाने में उतना मन नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स इसी कारण से जो आप लोग पूरा, अगर एक भी बंदा अगर पूरा फुल वीडियो वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज एक बार कमेंट कीजिए कि जो मैं जो वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहो, नहीं तो ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई बंदा वॉच कर नहीं रहा, मैं फालतू में जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी कारण से आप जो है मतलब एक बार इस वीडियो के जो है कमेंट पे जो वॉच कर दीजिए कि हाँ मैं जो है यह वीडियो वॉच करूंगा या जो फुल वॉच कर रहा हूँ इस टाइप में। ठीक है, चलिए अब जो है आज का हमारा एसक्यूएल का दूसरा टॉपिक होने वाला है 21वां, और देख सकते हैं कंडीशन केस स्टेटमेंट। केस में कंडीशन केस स्टेटमेंट आप किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि जो है जिसका एज 50 से ज़्यादा है वो लोग को जो है कर दो मैक्सिमम एज में, जिसका 50 से कम हो वह कर दो लोअर एज में। इस टाइप में आप किस तरह से जो है नया नया कंडीशन लगा सकते हैं। बस फ्रेंड्स यही कंडीशन नहीं है, आप बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हैं, जैसा कि आपको जो है मैंने बिटवीन एंड वेयर का यूज करके बहुत सारा कंडीशन लगाना सिखाया था उस टाइप से। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि केस स्टेटमेंट इसे बोला जाता है, एसक्यूएल में इसे केस स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका डिफाइन आप देख सकते हैं, इट अलाउज यू टू क्रिएट कंडीशनल लॉजिक विद इन एसक्यूएल क्यूरीज। ठीक है, तो यह एसक्यूएल क्यूरी जब आप राइट करेंगे तो उसमें एक कंडीशनल लॉजिक रहेगा टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसमें जो है अलग तरह का वैल्यू मिलेगा जब आप जो कोई कंडीशन डालेंगे ना, उसी टाइप का जो है आपको वैल्यू मिल जाएगा। देख सकते हैं इसका इस टाइप का सिंटैक्स रहने वाला है, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम कॉमा कॉलम टू। केस क्या होना चाहिए हमारे पास, केस लिखेंगे सबसे पहले, तो यह हमारा कंडीशन है। जितना कंडीशन है आप इस जगह पर इस टाइप से लिख सकते हैं, एल्स डिफॉल्ट रिजल्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार का रिजल्ट चाहिए, मतलब यह दोनों कंडीशन अगर सही नहीं है तो फिर यह वाला चाहिए, तो आप ये फिर जाकर इन डैश एलियसिस नेम। अगर आप उस कॉलम का नया कॉलम का नाम लिखने जा रहे हैं तो आप जो इस जगह से उसका नामकरण भी कर सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था केस स्टेटमेंट में। तो चलिए अब अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं, उस जगह पर ही हम लोग प्रैक्टिकली इसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस जगह अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है, और इतना सारा मैंने पहले बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर तो मस्ट जाकर पूरा वीडियो वॉच कीजिए, मैं पूरा या फुल डिटेल में बताता हूँ। कुछ भी चीज़ कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक जो है मैं कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम बताने का पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके दिमाग तक पूरा एकदम ठुसा जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अपना आगे इसमें देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, तब तक इसको जो ये कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं ना कि सबसे पहले मैं आप लोगों को टेबल बता देता हूँ, पहले मैं क्या कंडीशन लगाने वाला हूँ। यह कोड को मैं रन कर लेता हूं पहले, तो देख सकते हैं कि इतना बड़ा डेटा आपके पास दिया रहेगा। ठीक है, तो जो है आप अगर आपको बोला जाए कि आप क्या कीजिए कि 20 साल के नीचे वाले लोग को जो है आप दर्शाइए कि वह लोअर एज वाले हैं, ठीक है, या मिडिल एज वाले हैं, और जो 35 साल से ऊपर है उनको आप दर्शाइए कि जो है हाँ भाई यह जो बंदा है यह मुझे किसमें चाहिए कि हाँ इसका एज हाइयर है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 20 साल से कम है तो आपका एज आना चाहिए एवरेज। ठीक है, मतलब कि एवरेज एज आप बोल सकते हैं, और 20 साल से ज़्यादा है तो हायर एज। देखिए चलिए ये आप किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो मैं टेबल को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा यूज़ कर लिखना बहुत ज़रूरी रहता है जब भी आप टेबल पर वर्क कर रहे हैं। तो फिर जाकर आपको सेलेक्ट, फिर जाकर क्या चीज़ जो चाहिए, चाइल्ड एज कॉमा चाइल्ड नेम आप लिखिए या ना लिखिए, जो चीज आपको चाहिए कॉमा देकर लिख दीजिए, मैं चाइल्ड एज ही लिख रहा हूँ। ठीक है, केस स्टेटमेंट सुंदर से फ्रेंड्स इसे लिखने का टेक्निक क्या है ना कि आप बीच में ले आइए और इस जगह पर ही केस लिखिए। आप क्या चीज केस लिखेंगे, क्या आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो वैन कंडीशन लगाइए, जैसे आप कंडीशन लगाते हैं ना, चाइल्ड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब कि बोलने का मतलब है कि 20 से अगर बड़ा है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, देन क्या प्रिंट करा दे फ्रेंड्स,
कि यह हायर एज वाले बच्चे है, हायर एज, ठीक है। और एल्स क्या कर दे कि जो एल्स में, एल्स मतलब कि जो कंडीशन आपको लग रहा है कि यह कंडीशन गलत है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं इधर पर लिख देता हूँ कि एवरेज एज वाले स्टूडेंट है, ठीक है। इससे आपको पहचानने में आसानी होगा कि जो कौन बंदा एवरेज एज वाला है, कौन बंदा वह वाला है, ठीक है। तो इसी कारण से अब आपको इंडेक्स अगर नामकरण करना है, तो आप जो है इस जगह से जो है इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स कैटेगरी, फिर अगर इस जगह पर इसे फ्रॉम चाइल्ड, अब आपको चाइल्ड का नाम लिख दिए, इस जगह से मैंने जो यह स्टेटमेंट को रोक दिया, ठीक है। इस जगह फिर से आपको कॉमा देना है, याद रखिए इसी कारण से यह नहीं हो रहा था। तो चलिए अब जो है देखते हैं कहीं भी कंडीशन तो नहीं फॉलो हो रहा है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो इस जगह पर ही आपका, इसको मैं थोड़ा नीचे करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा ऊपर वाला, इस जगह, हाँ देखिए इस जगह पर पकड़ने से यह जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तब तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है नीचे में जो है आपको के मैं से ऊपर ही कर दो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा चाइल्ड एज 19 था, मतलब यह जो लड़का जो है 20 साल से कम का है, तो इसी कारण से इधर पर यह है एवरेज एज, 25 साल वाले हायर एज में आ गए, 25 साल वाले हायर एज में, 28 साल वाले हायर एज में, तो इसी तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी और एक कंडीशन आपको लगाकर बताता हूँ, तब तक तो पहले इसके साइड कर लेता हूँ। देख सकते हैं यह आपका पहला कंडीशन था, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में आपको बोलना है कि ये इंडिया देख सकते हैं और यूएसए है, ठीक है। इस जगह आपको बहुत सारा कंट्री रहेगा, लेकिन लेकिन बोला जाएगा कि आपको कंट्री में इंडिया को बस इंडिया लिखिए, बाद बाकी और कोई और कंट्री आएगा तो आपको लिखिए कि जो है यह अदर कंट्री के लोग है, जैसे कि पता करना रहता है ना कि भाई इंडिया का कौन है, यूएसए का कौन है, तो आपको सेपरेट में लिखना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको इस जगह पर ही क्या करना है, सिंपल सा फ्रेंड कुछ नहीं है, इसको पूरा एकदम कॉपी कर लीजिए, डिटो टू डिटो, बस आप एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको कुछ भी चीज का प्रॉब्लम नहीं। इस जगह से हमें चाइल्ड एज नहीं चाहिए, तो आप बोलेंगे अब क्या लिखना है, इस जगह हमें कंट्री लिखना है, ठीक है। तो कंट्री में हमें क्या चाहिए, इसको इसे काटने का, इस जगह पर ही हमें लिख देंगे इंडिया, अगर इसमें इंडिया रहेगा, ठीक है, इंडिया रहेगा तो हमें इधर पर ही बात लिखना है देन इंडिया, नहीं तो अगर ये कंडीशन सही नहीं है, इंडिया नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे अदर कंट्री, ठीक है। देख सकते हैं इस जगह कुछ चीज का मिस्टेक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ, ओ सॉरी इस जगह इक्वल का साइन नहीं है, इसी कारण से लग रहा है क्या। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं इस जगह पर इक्वल का साइन नहीं था, इसी कारण से प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब मैं यह कोड रन करता हूँ, तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपने पहचान लिया कि हाँ भाई इंडिया में जो है कौन है, तो हाँ इंडिया ये है, अदर इंडिया ये है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी टाइप का जो है कंडीशन का यूज करने के लिए हम लोग एसक्यूएल में केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के वीडियो इसी जगह समाप्त करने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको केस स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि आपको टोटली अच्छा समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप फ्रेंड्स कमेंट किया कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि जो है आपका क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, जिसके कारण से आप जो है आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है या जैसा भी है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे सलाह दीजिए, क्योंकि जो है मैं अभी नया नया हूँ, तो इसी कारण से आप कमेंट करके बताइए कि जो आपको जो है मतलब कि यह वीडियो किस टाइप का लग रहा है, इसमें अगर कुछ खराबी है वीडियो में तो जो है क्वालिटी खराब है, जो भी चीज़ खराब है आप फ्रेंड्स निसंकोच होकर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना ही बोलना है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, और फ्रेंड्स वीडियो को ना हो सके तो फ्रेंड्स पूरा फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैं हर एक जगह जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि एक भी जगह टाइम पास कर रहा हूँ। अभी जो है आप बोल सकते हैं कि आखिरी में थोड़ा सा भाई तुम टाइम पास कर रहे हो, बता रहे हो ये सब बोल रहे हो, तो फ्रेंड्स इसी कारण से फ्रेंड बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो है मतलब वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, और फ्रेंड्स मतलब कि जो आप कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम फ्रेंड्स एक कमेंट कर दीजिए कि जो मुझे अच्छा लगे कि जो हाँ मेरा भी मेरा वीडियो डाला हुआ बंदे लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और पिछला वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए, पूरा आपको इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको समझ में भी आएगा और आपको
पूरा डिफाइन के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यह प्लेलिस्ट चेक कर लिया ना एसक्यूएल का, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो तब आप ना एसक्यूएल में मतलब कि पूरा एकदम मास्टर से एडवांस बन जाएंगे। फिर जाकर बस तब आपको एसक्यूएल में कुछ और सीखने का आवश्यकता नहीं रहेगा। मैं फ्रेंड्स लिख कर दे सकता हूँ कि मैं आपको सारा चीज सिखा दूंगा, चाहे वो हार्ड टॉपिक हो या छोटा टॉपिक हो, टोटली चीज। मैं अभी तक जितना आप कवर किया है, आप देख सकते होंगे कि जो है इसने सारा चीज बताया, मैंने टोटली चीजें आपको कवर कराया। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।